हेलो क्लास 12th, कैसे हो बच्चे? सभी अच्छे हो? हाँ जी ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 आगे पढ़ना। ठीक है, तो अभी तक हमने कर लिया फीमेल का स्ट्रक्चर, पढ़ लिया मेल का स्ट्रक्चर, पढ़ लिया ठीक है। गैमेट्स बनवा दिए हमने, मेल के भी गैमेट्स बनवा दिए और फीमेल के भी गैमेट्स बनवा दिए। ठीक है, बनवा दिए ना पोलन ग्रेन्स और एग जो है एम्ब्रियो सैक डेवलप कर दिया बहुत अच्छे से। अब क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर को रिकैप करो। गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट बन गए दोनों के। अब क्या आएगा, गैमिट ट्रांसफर आएगा। अब क्या आएगा, गैमिट ट्रांसफर आएगा। तो गैमिट ट्रांसफर प्लांट्स में किस प्रोसेस से होता है? पॉलिनेशन से होता है। कैसे होता है? पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। क्या होता है? पॉलिनेशन। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि जो मेल गैमेट्स होते हैं ना वो ज्यादा नंबर में बनते हैं, ज्यादा अमाउंट में बनते हैं। ठीक है, वहां पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यों, क्योंकि जो लॉस होता है ट्रेवल के दौरान उनका, मेल को जो मेल गैमेट्स को जो फीमेल गैमेट तक पहुंचने में जितना भी टाइम पीरियड लगता है, जहां जहां से उनको पास होके आना होता है, तो जो जो लॉस होता है उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इतने लार्ज अमाउंट में बनते हैं, ताकि जो एक अच्छा गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुंच पाए। तो सेम इन द केस ऑफ प्लांट्स, पोलन ग्रेन्स भी इतनी ज्यादा लार्ज अमाउंट में बनते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है, तो पॉलिनेशन क्लियर हुआ। पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब जो ये पॉलिनेशन है वो दो टाइप का, तीन टाइप का होता है, दैट इज ओटोगैमी, जीनोगैमी एंड गिटाइनोगैमी। ठीक है, तो पहले तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन तुमने क्या देखा था कि क्या होता है कि एक फ्लावर है, एक मिनट, एक फ्लावर है तुम्हारे पास, उसमें तुम्हारे पास एंथर भी है और उसमें तुम्हारे पास स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी भी है, यानी मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। तो क्या होगा, यहां से पोलन ग्रेन्स कहां, स्टिग्मा पे चले जाएंगे, यानी एक ही फ्लावर के अंदर हो गया पॉलिनेशन, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन एक फ्लावर ऐसा है कि यहाँ पे तो सिर्फ मेल है और दूसरे फ्लावर में क्या है, फीमेल पार्ट है, तो पॉलिनेशन यहां से दूसरे प्लांट पे जा रहा है, तो ये क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन था। यही पढ़ा था ना छोटी क्लासेस में, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे फ्लावर्स में था, बायसेक्सुअल, यानी दोनों सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। और क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ हो रहा था, यूनिसेक्सुअल में हो रहा था। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे फ्लावर्स में हो रहा था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में हो रहा था, जिसमें कि फीमेल पार्ट अलग फ्लावर में और मेल पार्ट अलग फ्लावर में प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आया? अभी तक हमने यही पढ़े थे पहले, अब क्या पढ़ने हैं, हमें थ्री टाइप्स पढ़नी है। अलग नाम आ गया, बात वही है, ओटोगैमी, जीनोगैमी एंड गिटाइनोगैमी। ठीक है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, दिस इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन एंड दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, उससे पहले अब ये समझते हैं, दो तरीके के फ्लावर होते हैं हमारे पास, चेस्मोगैमस फ्लावर्स एंड क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, अब ये कौन से फ्लावर होते हैं, ओपन फ्लावर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, ओपन, और ये कैसे होते हैं, क्लोज्ड। अब याद कैसे रखोगे, सी एल से रखोगे याद, क्लोज्ड, सी एल एंड सी एल। तो क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं, बंद रहते हैं जो हमेशा। तो अब एक बात बताओ, जो फ्लावर्स बंद रहते हैं तो उनमें कैसा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होने वाला है ना। फ्लावर जब हमेशा बंद ही रहेंगे तो बाहर से तो पोलन ग्रेन्स आने का नाम ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। क्लियर है, तो इनमें हमेशा कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इनमें कैसी पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी। ठीक है, और जो ओपन फ्लावर्स हैं उनमें क्या है, बाहर से भी तो पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं ना, तो इनमें कैसा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक? चलो अब आ जाते हैं, व्हाट इज ओटोगैमी, व्हाट इज जीनोगैमी एंड व्हाट इज गिटाइनोगैमी। तो ओटोगैमी नाम से ही समझो, ओटो मतलब अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है ना, एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है एंड फीमेल पार्ट भी है।
ठीक है, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच गए, पॉलिनेशन खत्म, दैट इज ऑटोगैमी। एंड जीनोगैमी क्या है कि एक प्लांट है उसके फ्लावर्स पे मेल पार्ट है और दूसरे प्लांट के फ्लावर्स पे फीमेल पार्ट है। तो पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे गए, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे गए, तो वहां क्या हुआ, जीनोगैमी हुआ। ठीक है, लेकिन अब आते हैं व्हाट इज गिटाइनोगैमी। गिटाइनोगैमी क्या होता है, एक प्लांट है आपके पास, एक फ्लावर यहां है और एक फ्लावर यहां है, यहां है मेल पार्ट, यहां है फीमेल पार्ट, एक ही प्लांट है, दो फ्लावर हैं, एक पे मेल है और एक पे फीमेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तुम्हारा, एक पे एंड्रोइशियम प्रेजेंट है, एक पे गाइनोइशियम प्रेजेंट है। तो अब यहां से पोलन ग्रेन्स यहां आएंगे, यानी एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पोलिनेशन होना इज नोन एज गिटाइनोगैमी। यहां पे क्या था, प्लांट ही अलग अलग था, फ्लावर जो है अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट था। क्लियर हुआ, तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ अच्छे से। ठीक है, अब आ जाते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे, कि जो ये पॉलिनेशन होता है उसको कौन कराता है, उसको कौन कराता है। तो एजेंट्स जो होते हैं पॉलिनेशन के, वो बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं। बायो मतलब लिविंग, यानी जो लिविंग भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग मेथड से भी जो है पॉलिनेशन जो है वो हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या, इंसेक्ट्स हैं, बड़े बड़े एनिमल्स हैं, स्नेक्स हैं, रैट्स हैं, तुम्हारे जितने भी रोडेंट्स हैं, ये सब क्या कराते हैं, ये पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं। कैसे, फ्लावर्स के जो पेड़ होते हैं जो छोटे छोटे, उनमें से निकल के गए, उनकी जो हेयर्स हैं उनमें पोलन ग्रेन्स अटक गए, ठीक है, कहीं दूसरी जगह गए, वहां फ्लावर पे छोड़ दिए उन्होंने वो पोलन ग्रेन्स, ठीक है, तो पॉलिनेशन हो गया। तो जो बायोटिक एजेंट्स हैं वो क्या है, हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल कोई भी हो सकता है। अब जो फ्लावर है, लेकिन एक बात बताओ कि जो पॉलिनेशन बायोटिक होने वाला है, एनिमल्स की हेल्प से होने वाला है, तो फ्लावर कैसे होने चाहिए, बड़े बड़े होने चाहिए ताकि ज्यादा सरफेस हो एनिमल्स के टच कॉन्टेक्ट में आने के लिए। फ्लावर्स कलरफुल होने चाहिए ताकि जो मधुमक्खियां हैं, तुम्हारी बीज हैं, आंट्स हैं, बटरफ्लाईज हैं, ये सब बीटल्स हैं, ये सब क्या हो, अट्रैक्ट हो, उड़ के जाए उस फ्लावर के ऊपर अट्रैक्ट होके और पोलन ग्रेन्स वहां छोड़ दें, ठीक है। तो और दूसरा, तीसरी बात, वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, शहद हो उनके अंदर, उनको खाने के लिए वो चले जाए उस लालच में। उसके बाद उनमें अच्छी खुशबू आनी चाहिए। तीसरी चीज की फ्लावर जो है ना वो रिवार्ड दे एनिमल को पॉलिनेशन कराने के लिए। रिवॉर्ड किस फॉर्म में हो सकता है, नेक्टर की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, उनको रहने के लिए जगह देने के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी ही दो आपके जो है ना एग्जाम्पल है, दैट इज फर्स्ट वन इज एमोर्फोफिलस। ये क्या है, एक फ्लावर है, प्लांट का फ्लावर एमोर्फोफिलस, जो कि इसकी हाइट कितनी है, 6 फीट की हाइट का ये फ्लावर है, इतना बड़ा फ्लावर है। तो क्या है, जो वास्प बीज वगैरह होती है ना, वो अंडे दे देती है आके इस फ्लावर के अंदर, ठीक है, समझ में आया, और इसको बदले में पॉलिनेट कर देती है। इसी तरीके से यूका प्लांट एंड जो है ना मोथ के बीच में जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो क्या होता है कि जो यूका प्लांट है उसको कौन पॉलिनेट करा देता है, मोथ करा देता है, और मोथ क्या करता है, इसकी ओवरी के अंदर लोक्यूल में जाके अंडे देता है। क्लियर है, तो ये रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। तो ये फ्लावर रिवॉर्ड्स होते हैं इनके लिए। उसके बाद आ जाते हैं एबायोटिक एजेंट्स पे। तो एबायोटिक एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, हमारे विंड हो सकते हैं एंड वॉटर, हवा के थ्रू और पानी के थ्रू, ठीक है। अब जो एबायोटिक जो एजेंट जिन फ्लावर्स को कराने वाले हैं, तो उन फ्लावर्स की क्या खासियत होगी, ना वो कलरफुल होंगे, कोई मतलब है हवा या पानी को कि कैसे कलर का फ्लावर है, ठीक है, ना उनको नेक्टर देने की जरूरत, हवा पानी को नेक्टर की जरूरत ही नहीं है, तो फ्लावर्स ना कलर वाले होंगे ना नेक्टर वाले होंगे, ठीक है। तो क्या खासियत होगी, जो विंड पोलिनेटेड होंगे ना, तो फ्लावर्स ओपन होने चाहिए ताकि आराम से पोलन ग्रेन्स उड़ के चले जाएं, है ना, ठीक है। दूसरा, पोलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए ताकि हवा में इजिली उड़ जाएं, नॉन स्टिकी होने चाहिए, अगर वो स्टिकी होंगे तो वो उड़ेंगे ही कैसे, उड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जो फ्लावर्स है वो वेल एक्सपोज होने चाहिए, स्टैमेंस बहुत बाहर निकली हुई होनी चाहिए, ठीक है। देन जो स्टिग्मा होता है विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स का, स्टिग्मा भी अब
फीदरी होना चाहिए ताकि हवा से पोलन ग्रेन आए तो वो ट्रैप कर ले उसको, ठीक है। तो ऐसा ही होता है जैसे कि कॉर्न टैब्स में, ठीक है, कैब्स में, कॉर्न कोब में तुम्हारा बुक में फिगर दी हुई है एनसीईआरटी में, तो ये ग्रासेस में होता है। विंड पोलिनेशन ग्रासेस में होता है, और वाटर पोलिनेशन तुम्हारे टेरिडोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स इनमें होता है। अब वाटर पोलिनेटेड में क्या होगा, पहली बात तो कि जो वाटर सरफेस है उससे ऊपर होने चाहिए स्टैमेन और स्टिग्मा, है ना, समझ में आया ना, ठीक है। और दूसरा कि जो पोलन ग्रेन्स है ना वो रिबन लाइक होने चाहिए ताकि फ्लोट करके आ पाए, तैर के आराम से आ पाए, ठीक है। और तीसरा कि वो म्यूसिलेजियस कवरिंग से ना कवर हो ताकि उनको बाहर से कोई नुकसान ना पहुंचाए या उनकी केमिकल कंपोजिशन वगैरह चेंज ना हो जाए, क्लियर है। पॉलिनेशन टाइप्स, चश्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स एंड एजेंट्स, ठीक है, कि कैसा फ्लावर होना चाहिए, कैसे पोलन ग्रेन्स होने चाहिए, ये पूछा जाता है, ठीक है। और तुम्हारे एग्जाम्पल है वॉटर वाले के, वेलिसनेरिया, जोस्टेरा, ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, इजी सा टॉपिक था तुम्हारा। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्लासेस अच्छी नहीं लग रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ क्या कमी है, वो मुझे सजेस्ट करो। एंड ऑल्सो अगर आप लोग चाहते हो कि लाइव सेशन हो किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, आप लोग मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, अपने सजेशंस देना चाहते हो, तो हम वो एक छोटा सा लाइव सेशन ले लेंगे, ठीक है, या हम लाइव सेशन में पढ़ाई भी कर लेंगे जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, तो उसके लिए लेकिन कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है, चलो थैंक यू।